हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 2। क्या करा विदाउट एक्सपेंडिंग सो डैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स इज जीरो। चलिए देखते हैं, इसके फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर में हमें डिटर्मिनेंट दिया है 8, 2, 7, 12, 3, 5, 16, 4, 3। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को देखें तो ये दोनों प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं हमें। देख लो, इसमें डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों ऐसा? क्योंकि C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ गए? चलिए इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट दिया है 6 - 3 - 2, 2 - 1 - 2, - 10, 5, 2। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी C1 और C2 ही प्रोपोर्शनल दिख रहा है, डिवाइड करेंगे -2, -2, -2 आएगा, इसलिए इसका वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गए? चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में देखिए डिटर्मिनेंट दिया है यहाँ पर 2, 3, 7, ठीक है, फिर आपका 13, 17, 5, फिर यहाँ पे आपका 15, 20, 12, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि R1 के प्लेस पर R1 + R2, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा, R1 के प्लेस पर R1 + R2 करेंगे तो 15, 20, 12, और बाकी सभी एलिमेंट वैसे ही 13, 17, 5, 15, 20, 12। तो इसका वैल्यू 0 ना होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 और R3 आइडेंटिकल है, दोनों सेम है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, सेम ही है दोनों, देख रहे हैं ना, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो गया, 0। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर नंबर। फोर नंबर में देखिए यहाँ दिया है डिटर्मिनेंट में 1 by a, a² b c, फिर आपका दिया हुआ है 1 by b, b² a c, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 1 by c, c² a b, ये ना दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें 0 लाना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं R1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, R2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, और R3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं c से। तो ऐसा करेंगे तो इसका उतना टाइम्स वैल्यू बढ़ भी जाएगा, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ बाहर डिवाइड भी हमें करना होगा। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ a क्यूब, यहाँ a b c, फिर यहाँ पे 1, यहाँ b क्यूब, यहाँ a b c, ठीक है, 1 c³ a b c। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग आउट a b c फ्रॉम C3, ये निकल जाएगा 1 by a b c into a b c, यहाँ 1, यहाँ a क्यूब, यहाँ 1, यहाँ 1 b³ 1, 1 c³ 1। तो देखिए दो कॉलम यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, आइडेंटिकल मिल रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। समझ गए? चलिए अब इसमें क्या 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में देखिए दिया हुआ है a b a + b, 2a + b, 3a + b, फिर आपका है 2a + b, 3a + b, 4a + b, 4a + b, 5a + b, 6a + b, यही ना है जी। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर C1 के प्लेस पर C1 + C3 करके इसको ऐड कर लेते हैं, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे माइनस का 2C2। ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा, जब इसको ऐड करोगे C1 और C2 वाले को ऐड करोगे तो यहाँ 4a + 2b आएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a + 2b हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा।
तो जीरो यहाँ पे भी उसी तरह से हो जाएगा जीरो, यहाँ पे भी उसी तरह से आ जाएगा जीरो। इसको इसको ऐड करके इसको इसके टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बाकी सारे एलिमेंट वैसे लिख दो, 2a+b, 3a+b, 5a+b, फिर यहाँ पर 3a+b, और फिर 4a+b, 6a+b। तो जब एक कॉलम यहाँ एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो करते हैं, इसका वैल्यू जीरो ना जगह। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए कॉलम इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिक्स नंबर। सिक्स नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिटरमिनेंट में 1a² - bc, 1bb² - ac, 1cc² - ab। तो हम लोग इसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सब के फॉर्म में, डिफरेंस यहाँ माइनस है ना, तो डिफरेंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1a² 1bb² 1cc² माइनस 1abc 1bac 1cab। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। इस वाले में एक काम करते हैं, इस वाले में क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं r1 के प्लेस पर ar1, r2 के प्लेस पर ar2, और bbr2, r2 के प्लेस पर br2, और r3 के प्लेस पर cr3। ऐसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं 1a² 1bb² 1cc² r1 के प्लेस पर ar1। तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ डिवाइड भी करना होगा। चलिए ए बी सी से डिवाइड कर रहे हैं, चलिए ए से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर a² abc, b² abc, c² abc। चलिए अब इसके बाद देखिए 1 1 1 abc a² b² c² ए ना है जी। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 1 by abc, और यहाँ से हम लोग abc को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, c3 से टेकिंग आउट कर लेते हैं abc को। तो यहाँ आ जाएगा abc a² b² c² यहाँ 1 1 1, ठीक है, तो ये कट जाएगा यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 1 1 1 abc a² b² c², ठीक है। अच्छा इसमें एक काम करते हैं हम लोग, इसमें एक्सचेंज कर लेते हैं किसको, c1 और c3 को। तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 1 1 ए सेम इसके जैसा लाने के लिए हम लोग कह रहे हैं a² b² c² abc। फिर से अगेन हम लोग एक्सचेंज करेंगे c2 और c3 को, ताकि ऐसा हो जाएगा 1 1 1 यहाँ पर है abc a² b² c², यहाँ फिर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं 1 1 1 abc a² b² c², दोनों सेम ही डिटरमिनेंट है और माइनस में है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो नहीं हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेवन नंबर। सेवन नंबर में यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट दिया है 49 1 6, फिर 39 7 4, फिर आपका 26 2 3। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं c2 के प्लेस पर c2+8c3, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर c2 के प्लेस पर। फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट वैसे लिख देंगे c2 और प्लस 8 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और प्लस 1 49 हो जाएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 7 39 हो जाएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 2 26 हो जाएगा 6 4 3। यहाँ दो कॉलम से मिल जाते हैं, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कि c1 एंड c2 आर आइडेंटिकल
आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका एट नंबर। एट नंबर से देखते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू, मैंने ये जो मैट्रिक्स दिया है जीरो, डिटर्मिनेंट दिया है जीरो एक्स वाई माइनस एक्स जीरो जेड और माइनस वाई माइनस जेड जीरो। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि इसकी हर एक रॉ को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दें तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ये अगर इसे ऐसे भी ले सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। ठीक है, इन तीनों में से माइनस कॉमन करते हैं, माइनस वन इसमें से, माइनस वन इसमें से, माइनस वन, तो माइनस बाहर लग जाएगा और क्या हो जाएगा, जब तीनों रो में से निकला ये माइनस आ गया और यहाँ पर हो जाएगा जीरो प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स जीरो प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड जीरो। तो ये जो दिख रहा है ये फिर आपका डेल्टा का ही ना वैल्यू आ गया है। चलिए तो इधर हो जाएगा माइनस, या इधर प्लस में हो जाएगा टू डेल्टा इक्वल टू जीरो, यानी डेल्टा इक्वल टू जीरो बाई टू यानी जीरो। समझ गए। चलिए फिर अब इसका नाइन नंबर देते हैं। नाइन नंबर में देखिए क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ वन फोर्टी थ्री सिक्स सेवन थर्टी फाइव फोर थ्री सेवनटीन टू। एक काम करते हैं, सी वन के प्लेस पर सी वन प्लस सेवन सी थ्री कर देते हैं, इसमें सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए देखिए, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू और वन या फोर्टी थ्री हो जाएगा, सेवन एट फोर जा ट्वेंटी एट और सेवन हो जाएगा थर्टी फाइव, ये फोर्टीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेवन टू जा फोर्टीन और थ्री कितना हो जाएगा सेवनटीन, और यहाँ पर है ये आपका फोर्टी थ्री थर्टी फाइव सेवनटीन सिक्स फोर टू। तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो इसका वैल्यू जीरो ना हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि जो आपका सी वन है एंड सी टू है ये आइडेंटिकल है, सी वन एंड सी टू आर आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू जीरो आ रहा है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका टेन देखते हैं। फोर बाई फोर ऑर्डर का दिया है। चलिए यहाँ वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, फिर आगे आपका क्या है टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर। ठीक है, थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ वन फोर नाइन सिक्सटीन, यहाँ पर हो जाएगा फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव, यहाँ हो जाएगा आपका नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स और फोर्टी नाइन। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे करते हैं हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं आर थ्री के प्लेस पर आर थ्री माइनस आर टू और आर फोर के प्लेस पर आर फोर माइनस का आर वन लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आर वन आर टू तो ऐसे ही रख देंगे, वन फोर नाइन सिक्सटीन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव। अच्छा देखिए आर थ्री के प्लेस पर आर थ्री में से आर टू को सब्ट्रैक्ट करके तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फाइव, फिर आपका सेवन नाइन एलेवन और यहाँ देखिए फिफ्टीन, आर फोर के प्लेस पर आर फोर में एस आर वन ना करना है, यहाँ हो जाएगा आपका ट्वेंटी वन, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ थर्टी थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग आर फोर में से थ्री को कॉमन लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग आउट थ्री फ्रॉम आर फोर, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ थ्री कॉमन कर लेते हैं, वन फोर नाइन सिक्सटीन फोर नाइन सिक्सटीन और यहाँ पर ट्वेंटी फाइव फाइव सेवन नाइन एलेवन, इसमें से थ्री कॉमन किए हैं तो आपका फाइव सेवन नाइन एलेवन,
टू ग्रॉस ए मिल गए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ लिख सकते हैं कि आर थ्री एंड आर फोर आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो थ्री इंटू जीरो जीरो हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एलेवन नंबर जो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट में, देखिए ए बी सी, ए प्लस टू एक्स, बी प्लस टू वाई, सी प्लस टू जेड, और यहाँ पर है एक्स वाई जेड। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आर वन के प्लेस पर आर वन प्लस टू आर थ्री, इसमें टू से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, यही हो जाएगा फिर से, ए प्लस टू एक्स, बी प्लस टू वाई और सी प्लस टू जेड। सेकेंड रॉ भी यही है, ए प्लस टू एक्स, बी प्लस टू वाई, सी प्लस टू जेड, और यहाँ पे है आपका एक्स वाई जेड। तो टू रॉ सेम हो गया तो इसका वैल्यू जीरो नहीं हो गया। अपन लिख देंगे कि आर वन एंड आर टू आर आइडेंटिकल, ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू जीरो हो जा रहा है, समझ गए। चलिए अब इसका 12 नंबर लेते हैं। 12 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में देखो क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ है 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x का स्क्वायर, 2 का पावर x माइनस 2 का पावर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ फिर 1। फिर देखिए क्या दिया है, 3 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ है 3 का पावर x माइनस 3 का पावर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पे 1। फिर यहाँ 4 का पावर x प्लस 4 का पावर माइनस x का स्क्वायर, 4 का पावर x माइनस 4 का पावर माइनस x का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, देखिए आपको बुक में छोड़ दिया है, और यहाँ 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आप एक काम करो, ऐसा करो कि आप लिखो C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने पे, समझ लीजिए। आप फॉर्मूला जानते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है 4ab, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर दोगे 4 2 का पावर x इंटू में 2 का पावर माइनस x, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू में 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर माइनस x, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू में 4 का पावर x और इंटू में 4 का पावर माइनस x, और बाकी ये दोनों कॉलम ऐसे ही हैं, 2 का पावर x माइनस 2 का पावर माइनस x का स्क्वायर, 3 का पावर x माइनस 3 का पावर माइनस x का स्क्वायर, 4 का पावर x माइनस 4 का पावर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 1 1। देखिए अब इसके बाद देखते हैं, ये इसे मल्टीप्लाई करेगा, पावर ऐड हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 का पावर 0 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ पे 4 4 4 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 4 4, और यहाँ है 2 का पावर x माइनस 2 का पावर माइनस x का स्क्वायर, 3 का पावर x माइनस 3 का पावर माइनस x का स्क्वायर, फिर यहाँ से देखो 4 का पावर x माइनस 4 का पावर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ 1 1 1। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को देखें तो ये प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं कि C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। या 4 कॉमन कर सकते थे यहाँ से, 4 यहाँ से कॉमन कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। चलिए तो ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम लोग 13 नंबर दिया हुआ है, देखिएगा डिटर्मिनेंट में साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस यहाँ पर ये डेल्टा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है साइन बीटा कॉस बीटा और कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा और कॉस गामा प्लस डेल्टा। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि C1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन साइन डेल्टा से, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग
हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं सी टू में कॉस डेल्टा से, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना होगा साइन डेल्टा कॉस डेल्टा से। चलिए देखिए यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा। अच्छा इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉस डेल्टा से, तो यहाँ कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा। यहाँ पर है आपका कॉस अल्फा प्लस में डेल्टा, कॉस बीटा प्लस में डेल्टा, कॉस गामा प्लस में डेल्टा। ठीक है अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, वन बाई साइन डेल्टा कॉस डेल्टा। अच्छा हम लोग इसमें क्या कर देते हैं कि C2 के प्लेस पर C2 माइनस C1 करते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। देखो इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस बीटा प्लस डेल्टा का, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस गामा प्लस डेल्टा का, और यहीं बाकी फिर यहीं यही चीज़ यहाँ भी है। तो हम लोग सेकेंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल देख रहे हैं, ठीक है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो ना। चलिए तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा इस डिटरमिनेंट का, और यहाँ पे आपका बच गया वन बाई साइन डेल्टा कॉस डेल्टा। आज जब जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे कि सी टू एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, ठीक है इसलिए इसका वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई हुए क्या आ जाएगा जीरो, समझ गए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 14। देखिए 14 नंबर में क्या दिया, डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ दिया है साइन स्क्वायर 23 डिग्री साइन स्क्वायर 67 डिग्री कॉस 180 डिग्री, फिर आपका यहाँ पर है माइनस का साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 23 डिग्री कॉस स्क्वायर 180 डिग्री, फिर यहाँ पर है कॉस 180 डिग्री साइन स्क्वायर 23 डिग्री, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 67 डिग्री। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कॉस में, ठीक है तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, इसे हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर 90 माइनस का कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस का 67 लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पर भी हम लोग साइन स्क्वायर 90 माइनस का 23 लिख सकते हैं, ठीक है चलिए। और फिर यहाँ इसका वैल्यू क्या होता है माइनस का 1 कॉस 180 का, चलिए इसको भी चेंज कर ले क्या, इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं साइन स्क्वायर 67। अच्छा इसको चेंज कर लिया जाए, माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ हो जाएगा आपका 90 माइनस का 67 हो जाएगा। चलिए और इसका वैल्यू माइनस 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, चलिए यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू माइनस 1। अच्छा इसे भी हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है इसको भी चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का 67, और इसे हम लोग ऐसे ही रख देते हैं साइन स्क्वायर 67। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 67, ठीक है यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 23, यहाँ माइनस का 1, माइनस का साइन स्क्वायर 67,
यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर 67, यहाँ प्लस का 1, यहाँ माइनस 1, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 67 और यहाँ साइन स्क्वायर 67। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आर वन के प्लेस पर आर वन माइनस आर टू कर लेते हैं, ठीक है, आर वन के प्लेस पर आर वन माइनस आर टू करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 67, कॉस स्क्वायर 23 प्लस में कॉस स्क्वायर 67 माइनस 1 और फिर यहाँ पर माइनस का 1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस में प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस आ गया, बाकी वैसे लिख देते हैं माइनस का साइन स्क्वायर 67 माइनस का कॉस स्क्वायर 67 और यहाँ पे फिर आपका 1 प्लस का माइनस 1 कॉस स्क्वायर 67 साइन स्क्वायर 67। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, अच्छा इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 2, यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर 67 माइनस का कॉस स्क्वायर 67, फिर यहाँ पे है 1, यहाँ है माइनस का 1, यहाँ कॉस स्क्वायर 67 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 67 हो जाएगा। अच्छा एक और काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं कि सी वन के प्लेस पर सी वन प्लस सी टू कर दें क्या, चलिए देखते हैं, सी वन के प्लस पे सी वन प्लस सी टू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे और माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर 67 और प्लस में कॉस स्क्वायर 67। अच्छा इसको ऐड करेंगे और माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 67 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 67 कॉस स्क्वायर 67, यहाँ माइनस 2 1 और यहाँ साइन स्क्वायर 67। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 67, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 67 कॉस स्क्वायर 67, फिर यहाँ पे माइनस 2 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर 67। तो अगर हम लोग सी वन और सी थ्री को देखें तो ये आइडेंटिकल है, इनका रेशियो देखो माइनस वन सॉरी प्रोपोर्शनल है, ये दोनों देखो, ये माइनस वन आएगा इनका रेशियो, माइनस वन माइनस का वन आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी वन एंड सी थ्री आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।